दबंग 3 होगी साल 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, जो दर्शक को सिनेमाघरों में फिल्म देखने पर कर देगा मजबूर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। दबंग 3 फिल्म अब रिलीज होने में कुछ खास दिन नहीं बचे। यह फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर आते ही ब्लॉकबस्टर साबित हो गया है, तो इससे तो पता चल सकता है कि दबंग 3 को लेकर फैंस में कितने एक्साइटमेंट है। लेकिन हम आपको इस न्यूज में दबंग 3 की 5 बड़े कारण बताने वाले हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। तो सबसे पहले प्रभु देवा का एक्शन। दबंग और दबंग 2 में काफी अच्छे एक्शन सीन देखने को मिले थे, लेकिन दबंग 3 फिल्मों में इससे भी ज्यादा अच्छे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फिल्मों को डायरेक्शन प्रभु देवा ने दिया है और प्रभु देवा की फिल्मों में हीरो की एंट्री और एक्शन सीन बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। चाहे हम बात करें वांटेड की, राउडी राठौर या फिर आर राजकुमार, सारी फिल्मों में प्रभु देवा ने एक्शन काफी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किए थे। तो जाहिर सी बात है कि दबंग 3 फिल्मों में हमें अलग लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। दूसरी, सलमान खान का शर्टलेस सीन। जिस फिल्मों में सलमान खान शर्ट उतारते हैं, वो फिल्में यूं ही 100-200 करोड़ कमा लेती है। तो जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि सलमान खान दबंग 3 में शर्ट उतारने वाले हैं। हालांकि ट्रेलर में हमें इतनी ज्यादा झलक देखने को नहीं मिली, लेकिन बता दूं कि सलमान खान क्लाइमेक्स में शर्टलेस यानी कि बिना शर्ट के ही फाइट करने वाले हैं, और वो भी किच्चा सुदीप के साथ। तो क्लाइमेक्स में ऑडियंस को दुगना मजा आने वाला है। तीसरा, फिल्म के डायलॉग। जब दबंग और दबंग 2 में डायलॉग काफी अच्छे थे, लेकिन इस बार भी डायलॉग काफी जबरदस्त थे। जैसा कि ट्रेलर में भी हमने देखा था, जिसमें एक डायलॉग था कि एक होता है पुलिस वाला और एक होता है गुंडा, और हम है पुलिस वाला गुंडा, और ट्रेलर में भी इससे भी अच्छे डायलॉग है। तो आप सोच सकते हैं कि फिल्मों में कितने अच्छे डायलॉग होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्मों में डायलॉग काफी बढ़िया रहने वाले हैं। चौथा, चुलबुल पांडे का यंग अवतार। वैसे तो हमने चुलबुल पांडे को मुझ के साथ तो देख ही लिया है, लेकिन ये फिल्मों में बिना मुझ के भी चुलबुल पांडे नजर आएंगे, और वो उनका कैरेक्टर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर चुलबुल पांडे दबंग कैसे बने। और पांचवा, फिल्म का क्लाइमैक्स। बता दें कि दबंग 3 के क्लाइमैक्स को बहुत बड़े स्केल में शूट किया गया है, जहां सलमान खान क्लाइमैक्स में किच्चा सुदीप के साथ साथ कई सारे गुंडों के साथ भी भिड़ते हुए नजर आएंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म का क्लाइमैक्स फिल्म में सबसे महंगा पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमैक्स ये फिल्म का एकदम धांसू रहने वाला है। तो ये थे 5 बड़े कारण जो दबंग 3 फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएगी। आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।